जम्मू कश्मीर की पारंपरिक हस्तकला को बढ़ावा देने व महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन स्कीम शुरू की गई है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को काफी लाभ मिल रहा है। इसी स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बैम्बू क्राफ्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की करीब 20 महिलाओं ने बांस से तरह तरह के फर्नीचर और डिजाइनर शोपीस बनाने की कला सीखी। हैंडीक्राफ्ट विभाग उधमपुर की ओर से उधमपुर में नगरोटा के वार्ड नंबर 21 में आयोजित इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में महिलाओं को बांस से उत्पाद बनाने की तकनीक सिखाने के अलावा इस कारोबार से जुड़ी हर जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि कहां से रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा और सामान बनाने के बाद वे कहां कहां इनकी बिक्री कर सकती है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से महिलाएं जहां आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और वे खुद का कारोबार शुरू कर पाएंगी, वहीं लकड़ी के फर्नीचर व डिजाइनर शोपीस बनाने जैसी परंपरागत हस्तकला को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मेरा नाम सुषमा है, ये गांव का नाम नगरोटा है। और ट्रेनिंग हमारी 40 दिन की ट्रेनिंग थी। ये बैम्बू का काम है, हमने बहुत कुछ सीखा है इसमें। हमारे ये हमने आर्ट में बनाई है, जो घर में हम यूज़ करते हैं, करने वाली है सारी। तो ये संकल्प योजना है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये हमें दी गई थी। इधर 40 दिन की ट्रेनिंग थी और ये औरतें सारी हाउस वाइफ है, काम घर में काम करने वाली। तो उधर हमने मैम ने बहुत कुछ सिखाया हमें। ये हमने पेन स्टैंड बनाए हैं, मोबाइल स्टैंड बनाए हैं, और ये ट्रे बनाई है, और ये गुलदस्ते बनाए हैं, ये बॉक्स बनाई है, मेडिसिन वगैरह इसमें हम रख सकते हैं, और बहुत सारी आइटमें जो हम घर में यूज़ कर सकते हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, ये ठीक ही स्कीम थी, अच्छा सेंटर है, तो ये चीज़ें अच्छी है, इस्तेमाल करने वाली है। तो हमने बहुत कुछ सीखा है। हम कहते हैं कि हमें थोड़ा ये 40 दिन का था, तो कोई 6 महीने जैसे और दिया जाए, हम और अच्छा सीखेंगे इसमें। सुशील भारती, और ये संकल्प योजना गवर्नमेंट की तरफ से थी, और हम 20 लड़कियां इसमें ये 40 दिन तक हमने काम किया। बहुत अच्छा फील किया हमने, बहुत कुछ सीखा। हमारी मैम बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, और हमने ये देखो ये हमने ये बनाए, ये कोई मेडिसिन भी रख सकते हैं। हमने ये किश्तियाँ बनाई, और ये देखो हमने ये बनाए, डस्टबिन वगैरह बनाए। हम पॉलीथीन का इस्तेमाल करते थे, उससे प्रदूषण होता था। अब ये बहुत अच्छी चीज़ लगी हमें, और आने वाले टाइम में इसका कोई प्रदूषण नहीं होने वाला है, और ये इससे हम बहुत खुश हैं। और हमारा टाइम भी बहुत अच्छे से मैनेज होता रहा। हम घर में ऐसे ही परेशान रहते थे, और सुबह हम जल्दी आते थे यहाँ, अच्छा सीखते थे, और अच्छे मैम भी हमारे बहुत अच्छे थे।